नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। आज हम इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इस क्वेश्चन को देखने से ही बच्चे डर जाते हैं कि ये बटा वाला सवाल कहां से आ गया। मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़े आराम से, बहुत अच्छे से, इजीली ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों और पिछले स्टेप्स को याद रखना। तो पहला जो स्टेप था वो क्या था, हमें इसको क्यूब बनाना है। कैसे, देखिए, यहां मैंने सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर डाला क्यूब, ये अंदर है पी क्यूब, तो अंदर मैं डाल दूंगा पी, ठीक है, तो ये क्या बन गया क्यूब। 27 किसका क्यूब होगा, क्या नंबर लिखूं जिसका क्यूब 27 होगा, 3 या 9 या 27, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, तो ये बन गया 3p³ 27p³। माइनस इसको भी हमें क्यूब बनाना है, 1/216, तो बटा लगाया, किसका क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब 1 बटा 216 किसका क्यूब होता है। तो थोड़ा सा अगर आप क्यूब्स को बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो 216 होता है 6 का क्यूब, 6 छिकम छिकम 136, सॉरी छिकम छिकम 36, 36 को 6 से गुना करे तो 216, यानी 6 × 6 × 6 होता है 216, तो ये आ गया 6 का क्यूब। ठीक है बच्चों, आगे है माइनस 3 × a × b, a है 3p, b है 1/6, उसके बाद ब्रैकेट 3ab × a − b, a है 3p माइनस b है 1/6। जब आप इस रकम को इससे गुना करेंगे तो ये −9/2p² आना चाहिए। देखो कैसे, ये सबसे पहले तो ये देखो 3 से ये कट गया तो आ गया 2, ठीक है। अब पहली रकम के लिए इस पूरे को पहली रकम से गुना करो, ये 3 कट चुका, ये है 3, 3 × 3 हो गया 9, ये साथ में है माइनस, नीचे है 2 −9/2, p × p हो गया p² आ गया −9/2p² −9/2p², इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला देखो, इसी को इससे गुना करो, −(−) ये 3 है, ये −1/6 से जब गुना होगा, यहां पे इसके नीचे 2 भी है, 3 से ये गुना होगा तो ये आ जाएगा 2 −(−) p × 1p/2 × 2 = 4, तो आ गया +p/4, यानी +1/4p, ये बराबर है। इसका मतलब इन दोनों रकमों की जगह जब मैंने ये लिखा तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आगे हमारे पास जो सर्वसमिका है वो है a³ − b³ − 3ab × a − b, ये बराबर होता है a − b³ के बराबर। ये रफ वर्क है सारा साथ में, ठीक है बच्चों, a − b³ के बराबर होता है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो मेरा आया, ये भी तो यही आया ना, इसके साथ मिलाना है इसको, a³ − b³ − 3ab × a − b, तो ये किसके बराबर होगा, a − b³ के। यहां a किसके बराबर है, 3p के, माइनस बी किसके बराबर है, 1/6 के, ये इसके क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में ये क्यूब है तो ये ब्रैकेट इसी ब्रैकेट से 3 बार गुना हो गई, 3p − 1/6, 3p − 1/6, 3p − 1/6। तो ये जो इतना मुश्किल सा हमें लग रहा था बच्चों, इसका गुणनखंड ये आ गया है। तो एक आराम से हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन हल होगा। आशा करता हूं जिस तरीके से ये मैंने आपको समझाया है, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और यदि बच्चों समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है और पता लगता है कि बच्चों को वीडियो समझ आ रहे हैं और हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।